देसी परदेसी मेहमानों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने वाली मरु प्रदेश राजस्थान के उदयपुर जिले की पंचायत समिति झल्लारा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत धोलागढ़ खेड़ा के ग्राम काजावाड़ा में लोगों के सामने वर्षाकाल के दौरान किसी की भी मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार करना एक दुविधापूर्ण कार्य हुआ करता था तथा ग्रामवासियों के सामने मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना व पीने की पानी की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य हुआ करता था। इन समस्याओं के समाधान हेतु महात्मा गांधी कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत धोलागढ़ खेड़ा के ग्राम काजावाड़ा में एक शमशान स्थल विकास कार्य स्वीकृत करवाकर किया गया, जिसके अंतर्गत एक विश्रांति गृह व टिनशेड, चार दीवारी निर्माण आदि सराहनीय कार्य करवाए गए। इन कार्यों के होने से अब वर्षाकाल के दिनों में लोग अंतिम संस्कार में आसानी से जा पाते हैं एवं अंतिम संस्कार भी कर पाते हैं। साथ ही विश्रांति गृह बनने से ग्रीष्म काल में तपती धूप एवं तेज गर्मी में अंतिम संस्कार होने तक शमशान स्थल में आसानी से बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ ग्राम कनेर में बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचफल चारागाह विकास कार्य स्वीकृत करवाया गया है, जिसके अंतर्गत पौधरोपण, ट्रेंच खुदाई, चार दीवारी निर्माण, चेक डैम निर्माण आदि सराहनीय कार्य करवाए गए हैं। इन सभी कार्यों के होने से ग्राम पंचायत धोलागढ़ खेड़ा के ग्रामवासियों को अपने मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना काफ़ी सुगम और सुविधाजनक हो गया है तथा आसपास का वातावरण भी हरा भरा और काफ़ी खुशनुमा दिखाई देने लगा है। इसके साथ साथ कुओं का जलस्तर भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम पंचायत धोलागढ़ खेड़ा वासियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती दिखाई दे रही है। मेरा गांव का नाम है किन्नर, पंचायत समिति धोलागढ़ खेड़ा, तहसील झल्लारा है। मैं यहाँ चारागाह भूमि अभी वन पल पंचायत करूँ ये चालू किया है काम छोटा मोटा। इसमें थोड़ा व्यवस्थित है, चारागाह लगाई है और पेड़ पौधे लगाए हैं। इनसे पेड़ पौधे से भी ये कंजड़ी है, ये खाकरा है, भी जो कोई भी छोटे मोटे झाड़ है, इसमें लिमड़ा है वगैरह वगैरह सब अच्छा है फसल। जैसे काम छोटे मोटे टेंच का काम भी किया हुआ है और ये थोड़ी सारा सार हमारे गांव के वो पंचायत से थ्रू घास मिली हुई है, उसमें भी अच्छी है। और पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, अभी धीरे धीरे सब धीरे यहाँ कोट करवाया, पूरी बाउंड्री करवाई है। इसके बाद यहाँ पूरा पूरा सारा का पूरा व्यवस्थित है। और अपने यहाँ धोलागढ़ खेड़ा किसे केंद्र गांव में पहले से अभी बहुत अच्छा है। ये भूमि सारा का बहुत अच्छी करवाने से बहुत फ़ायदा मिला है हम लोगों को और टाइम से पैसा भी मिला है, सबको रोज़गार मिला है, अभी हमको भी मिला है और आने वाले समय में भी और मिलेगा। इसलिए हम यह सारा का भूमि में छोटा मोटा ये काम चालू है और यहाँ काम करते करते अभी साल भर हो गया। इसको ये इसी इस कोर्ट में ये बनाए हुए हैं सब, ये पानी रुकने के लिए सब 7-8-9 ये इसमें पानी भरेला हुआ है। इसके बाद इसे टेंस बनाई है, टेंस में भी पानी भरेला हुआ है, इसके कारण ये सब जमीन नमीन होगी। उसके बाद कुएं में पानी भी भरा हुआ रहेगा, इसके बाद हैंडपम्प भी में पानी रहेगा और हमारे को ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारा पेड़ पौधे से हमारा ये फ़ायदा मिलेगा। तो हमें को एक तो फलदार पौधे लगाए उसमें फल मिलेगा, उसको हमको वो मिलेगा। और दूसरा बात ये अपने गाय भैंस को भी ये घास मिल जाएगी। और यहाँ बहुत बढ़िया काम हुआ है हमारे आपके यहाँ,
बहुत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये ऐसे कार्य और होना, नरेगा के थ्रू हमारा रोजगार भी मिलेगा, मिल गया है और ठीक है, हम हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा नाम है कैलाश कुमार मीणा, गांव गैनर, ग्राम पंचायत दौलागिरी खेड़ा, पंचायत समिति, पंचायत समिति जलारा उदयपुर। यहां पहले जमीन बंजर पड़ी हुई थी, फिर अभी बाद में नरेगा का काम चालू किया, यहां घास उगाई, पेड़ पौधे लगाए, यहां मतलब 8-9 नाड़ियां खुदवाई, जिससे पानी मतलब इसके आसपास के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, और यहाँ पर पेड़ पौधे मतलब जामुन, डाक, कंजड़ी, नीम सभी लगाए, इससे कि हमारे को यहाँ मतलब काम करने से रोजगार मिला, अभी फिलहाल मिला है और आने वाले समय में भी मिलेगा। पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो उनके रखरखाव में भी रोजगार मिलेगा हमारे को। यहाँ ट्रेंस खोदी है, उससे नमी बनी रहेगी, जहाँ घास उगाई है वो हम पशु को खिलाएंगे तो खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मेरा नाम गजेंद्र मीणा है, तोलागर खेड़ा मेरी पंचायत है, तहसील मेरी जलारा है और जिला उदयपुर है। बंजर भूमि पड़ी हुई थी, उसके बाद हमने जो निर्माण करवाया था उसके नाली खुदवाए थे और झाड़ के जो टैंक्स खुदवाए थे और जो नाला बनवाया है, और उसमें हमने जैसे टैंक खुद के उसमें झाड़ लगाए हैं, जैसे नीम के झाड़ है, खाकरा है, किकर है, कुछ ऐसे वस्तु।
मेरा नाम भक्ताराम मीणा है, मैं कारीगर का काम करता हूँ और ये शमशान का काम हमने ग्राम पंचायत गांव का नाम काजावाड़ा है, ग्राम पंचायत धौलागिर खेड़ा है, पंचायत समिति जल्लारा है, तहसील सलूमपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान। हम नरेगा के अंतर्गत में हमारे शमशान घाट में पहले बहुत समस्या आती थी, बारिश की वजह से हम जला नहीं पाते थे, कोई मृत्यु हो जाती थी, तो उसके अंतर्गत में हमारे ये बाउंड्री हुई चारों तरफ और उसके बाद में टीन सेट लगा इसके ऊपर, तो हम बारिश से हम बच जाते हैं और इधर ये बैठने का घर बनाया है बैठने के लिए, जिसे उधर जलेगा तो इधर बैठेंगे लोग। काम किया है और सबको रोज़गार मिला है और अभी भी हम काम कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से और हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम है और आने वाले समय में भी अच्छा काम हो और नरेगा और कन्वर्जन का अच्छा काम हुआ है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को। मेरा नाम है मोगालाल मीणा, मैं ये काजावाड़ा मेरा गांव है, काजावाड़ा गांव है और ग्राम पंचायत धौलागिर खेड़ा, तहसील सलूमपुर, जिला उदयपुर, पंचायत समिति जल्लारा। ये हमारी पहले ज़मीन पड़ी थी शमशान के लिए और ये नरेगा में ये बाउंड्री और तीन सेट ये लगवाए और ये विश्राम गृह है और ये पूरा व्यवस्थित कर दिया और हमने काम किया है और इसे गार्डन है पेड़ पौधे लगाने का दूसरा और ये थोड़ा बीच में ये डंडा है थोड़ा एक लेवल करके गिट्टी डाल देंगे दूसरा तो सभी को रोज़गार मिल रहा है। ये नरेगा ये जैसे बारिश में हमारा कोई मर जाता है तो बारिश में उसके ऊपर जलाते तो है, हाल फिलहाल में अभी भी रोज़गार मिल रहा है। जनु कुमारी मीणा, कादावाड़ा, ग्राम पंचायत धौलागिर खेड़ा, चिल्लारा, जिला देखो। पहले तो ऐसे ही था और शाम तो बावंटी हुई है और दरबद्दर लगाया और बढ़िया